अलमेक गाइज़ उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे हमारा जो आज का प्रजेंटेशन टॉपिक है वो है वॉट इज़ साइकॉलोजी साइकोलॉजी क्या है इसको एक्सप्लन करने से पहले मैं आपको इस में मौजूद तीन कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूँगी सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है सैंटिफिक स्टडी सैंटिफ़िक स्टडी क्या है साइंटिफिक स्टडी इज़ अ मैथड ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन इन विच अ प्रॉब्लम इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड ऑब्जर्व ऑब्जर्वड एक्सपेरिमेंट्स और अदर रेलिवेंट डेटा आर देन यूज टू कंस्ट्रक्ट और टेस्ट हाइपोथीसिस दैट परपोर्ट टू सॉल्व इट परपोर्ट मीनिंग पर्पस ही होता है अच्छा साइंटिफिक स्टडी क्या है ये एक मैथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम सबसे पहले जो है अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं देन हम अपनी ऑब्ज़र्व की हुई प्रॉब्लम पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उससे रेलिवेंट जो भी डेटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम जो है वो उस के रिजल्ट्स की बेस पे जो है हाइपोथीसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर हम उन उन हाइपोथीसिस को अगेन एंड अगेन टेस्ट करते हैं कि वो हाइपोथीसिस जो हैं वो हमारे करेक्ट हैं या नहीं अगर करेक्ट होते हैं तो हम उनको यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं दैट इज़ अबाउट साइंटिफिक स्टडी सेकेंड कॉन्सेप्ट है बिहेवियर वॉट इज़ बिहेवियर बिहेवियर इज़ एन ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटीज़ इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्यूमिलय इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल एक्टिविटीज़ एंड नॉन कॉन्शियस और इसको हम अनकॉन्शियस भी कहते हैं प्रोसेस बिहेवियर क्या है ये हमारा रिस्पॉन्स होता है टू एनी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्यूमिला कोई भी एक्सटर्नल स्ट्यूम्यूलाय को जब हम रिस्पॉन्स करते हैं दैट इज़ अ बिहेवियर अब स्ट्यूमिला सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होता इंटरनल भी हो सकता है इसके साथ इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल एक्टिविटीज़ ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल एक्टिविटीज़ क्या है इसकी मीनिंग ये है कि वो चीज़ें जो हम डायरेक्टली ऑब्ज़र्व करते हैं परसीव करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक एप्पल है अब मैंने उसको एप्पल पे मेरी नज़र पड़ी और मैंने उसको एप्पल ही ऑब्ज़र्व किया कि वो रेड कलर का है और ये एप्पल है मैंने डायरेक्ट उस चीज़ को परसीव किया ठीक ये हो गया ऑब्जेक्टिवली ऑब्ज़र्वेबल एक्टिविटीज़ उसके बाद अनकॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस प्रोसेसेस वो होते हैं जो कि हमारी अवेयरनेस में नहीं होते जिनके बारे में हम अवेयर नहीं होते लेकिन वो हमारे माइंड में कही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो जब हम इन तमाम चीज़ों को कोई रिस्पॉन्स करते हैं तो इस चीज़ का नाम है बिहेवियर थर्ड कॉन्सेप्ट है मेंटल प्रोसेस क्या है एनी प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द माइंड जो भी प्रोसेसेस हमारे माइंड में हो रहे हैं उसको हम कहते हैं मेंटल प्रोसेस फॉर एग्जांपल हमारी मेमोरी हमारी लैंग्वेज हमारी थिंकिंग हमारी कॉग्निशंस हमारी लर्निंग ये तमाम क्या हैं ये हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं जो कि हमारे माइंड में हर वक्त हो रहे होते हैं अब हम आते हैं अपने मेन डेफिनेशन की तरफ जो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो फील्ड है वो फिलॉसफी से ओरिजिनेट हुई है इसकी डेफिनेशन ये है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। बिहेवियर साइंटिफिक स्टडी और मेंटल प्रोसेसेस जो कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ अब साइकोलॉजी क्या है कि जब हम बिहेवियर को साइंटिफिकली साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू स्टडी करते हैं कि ये जो बिहेवियर हमने ये जो रिस्पॉन्स किया है टू वर्ड्स एक्सटर्नल स्ट्यूमिलाय और इंटरनल ये कैसे हुआ है इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं इस पर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और देन हम कोई रिज़ल्ट निकालते हैं या कोई रिजल्ट और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं इसी तरह हम मेंटल प्रोसेसेस को भी साइंटिफिकली स्टडी करते हैं साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके कि हमारी जो मेमोरी है वो किस तरह वर्क करती है हमारी जो लर्निंग है वो कैसे होती है ये हम आगे जाके इसको डिटेल में इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो आज के लिए इतना ही दैट इज़ ऑल अबाउट टू डेज़ लेक्चर थैंक यू वेरी मच इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक सो प्लीज़ आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स Thank you very much Allah Hafiz